हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में असिस्ट करने आई एम हियर। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश की मिक्स्ड क्विज। तो इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जिस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस हैं, चलिए फटाफट से कम टाइम में उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आज ऑल नो केस में बीच में से एक पैराग्राफ है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं एंड हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना होता है। तो चलिए, जैसा मैं आपको हमेशा, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि क्लोज टेस्ट में फर्स्ट रीडिंग करनी है। तो अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी किस तरीके से क्या, वो आप मेरी दूसरी वीडियोज में देख सकते हो, आपको इजिली मिल जाएगी प्ले लिस्ट में जाके। सो अभी फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। तो फटाफट से रीड करते हैं मेरे साथ साथ, आप भी रीड कीजिए एंड एक आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए कि किस बारे में बात हो रही है, थीम क्या है इस पैसेज की, किस टॉपिक पे ये बेस्ड है। सो कैनेडा इज 3 times द साइज ऑफ इंडिया - इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 million। तो यहाँ पे एक जनरल हमें पैराग्राफ देखने को मिल रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि कनाडा वैसे तो साइज में 3 times बड़ा है इंडिया से, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है ओनली 26 million है। द एवरेज - ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आई थिंक कि अभी मेरे साथ साथ आपको भी आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, क्या वर्ड यहाँ पे आ सकता है, उसको माइंड में रखते हुए चलिए जब ऑप्शंस हम चूज करेंगे उसमें हमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो जिसकी पॉपुलेशन जो है 3% पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है - कैनेडा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली - नियरली 80% ऑफ पीपल - इन अ नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर वाइड अलोंग द साउथर्न बॉर्डर। तो 80% से भी कम लोग यहाँ पे - हैं नैरो बेल्ट में लेस देन 300 किलोमीटर। सो 300 किलोमीटर से जो कि साउथर्न बॉर्डर के अलोंग है, द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज अ वेरी स्पार्स पॉपुलेशन ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड। तो एक्सेसिव कोल्ड की वजह से बाकी के एरियाज में, यानी कि कंट्री, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे कनाडा की बात हो रही है, यहाँ पे कनाडा की ही बात हो रही है, उसको कंपेयर किया जा रहा है इंडिया से पॉपुलेशन एंड अदर जो पैरामीटर्स हैं उसके बिहाफ पे। तो एक रीडिंग में हमें पता लग गया कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है एंड यहाँ पे थीम क्या चल रही है, किस टेंस में पूरा ये हमारा पैराग्राफ है। तो ये सारी चीजें हमें एक बार की रीडिंग में समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको एग्जाम में ऐसा ब्लैंक यहाँ पे अलग से नहीं मिलेगा, आपको एक साइड पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पैरा दिखेगा एंड राइट हैंड साइड पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, यहाँ पे अभी नहीं दिख सकते। दैट इज वाई आपको लिए मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए कि बार बार मुझे उस पेज पे मूव ना करना पड़े, मैंने क्वेश्चन ऊपर ही लिख दिया, यानी कि जो जिसमें ब्लैंक था। सो फर्स्ट ब्लैंक था हमारा, कैनेडा इज 3 times द साइज ऑफ इंडिया - इट्स पॉपुलेशन। कैनेडा 3 times बड़ा है इंडिया से, यहाँ पे था लेकिन इसकी पॉपुलेशन। तो ऑप्शंस है हमारे पास सो, बट, अंटिल, बिकॉज। तो बहुत ही इजी है यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा आंसर, तो बहुत इजी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उसकी पॉपुलेशन, उसका जो साइज है वो तो 3 times बड़ा है इंडिया से, लेकिन पॉपुलेशन, तो लेकिन के लिए हम यूज करते हैं बट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिला, इट इज ऑप्शन नंबर बी, बट। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर बी, बट। तो कनाडा इज 3 times द साइज ऑफ इंडिया बट इट्स पॉपुलेशन जो है उसकी वो बहुत कम है। नाउ नेक्स्ट, द एवरेज - ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन। तो एवरेज किस चीज की पॉपुलेशन इज लेस देन, अभी हमने जनरल आइडिया हमारे को लगा था अभी, तो यस यहाँ पे वही वर्ड आएगा। पॉपुलेशन की जहां पे बात हो रही है तो वहां पे भी बोला गया था कि पर स्क्वायर किलोमीटर का यूज हुआ था, दैट मींस यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो डेंसिटी है वहां की वो कितनी है, क्योंकि पर स्क्वायर किलोमीटर था। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा इट इज ऑप्शन नंबर ए,
डेंसिटी. देन अगर अदर ऑप्शंस भी हम देखें तो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी का कोई ऐसा सच कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा है. कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. देन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यस हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन हमने यहाँ पे यूज किया है, दैट इज वाई वो क्वांटिटी में नहीं आएगा, दैट इज इन डेंसिटी. तो क्वेश्चन नंबर टू के लिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. आंसर यस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेंसिटी. देन क्वेश्चन नंबर थ्री, 3 persons पर स्क्वायर किलोमीटर, जो भी हमारी डेंसिटी की बात हो रही थी, तो डेंसिटी कितनी है 3 persons पर स्क्वायर किलोमीटर - कनाडा. कनाडा में, यहाँ पे कनाडा की डेंसिटी की बात हो रही है, जैसे मैंने बोला एक आइडिया हमें लगा, यहाँ पे इंडिया की नहीं कनाडा की बात हो रही है. सो 3 persons पर स्क्वायर किलोमीटर इतनी डेंसिटी कहाँ है पॉपुलेशन की, इन कनाडा. तो यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन यूज होनी थी, तो इन टू कैनेडा या फिर ऑन कैनेडा या फिर इन कैनेडा या फिर एट कैनेडा. अब एट कैनेडा नहीं होगा क्योंकि कैनेडा में हम डेंसिटी की पॉपुलेशन मेजर कर रहे हैं, दैट इज वाई ये करेक्ट नहीं है हमारा. इन यस फॉर श्योर यहाँ पे यूज हो सकता है, ऑन कैनेडा भी नहीं यूज होगा. यहाँ पे इन टू और इन में हमें पता डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना है कि इन टू होगा या इन होगा. अब देखो इन टू का मतलब होता है इन एंड टू, तो इन टू यहाँ पे नहीं यूज होगा. यहाँ पे हम सिंपल बोल रहे हैं कि कैनेडा में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज 3 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. तो सिंपल लैंग्वेजेस है, यहाँ पे आप जो भी वर्ड देख रहे हो उसके एक बार मीनिंग देख लो. अब इन और टू यहाँ पे दो मिक्सअप हो रहे हैं, तो इन टू हम किसी के अंदर जाने की नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कैनेडा में डेंसिटी इतनी है. सो दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन. Yes, here is the answer. चलिए next question. The distribution of population is highly - अब distribution of population highly कैसा है? Differing है, infrequent है, uneven है या फिर rough है? अब density हमने देखा कि कम थी. डेंसिटी का बेसिक मतलब होता है कि एक एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर कितने पर्सन रह रहे हैं. तो डेंसिटी यानी कि वो पूरी इतना ज्यादा घना जिसे हम कहते हैं डेंस नहीं है. सो दैट इज वाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वो क्या हो गया, हाईली अनइवन हो गया. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, अनइवन. क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पे चार लोग रह रहे हैं तो दूसरे किलोमीटर पे भी चार लोग ही रह रहे होंगे, ये एक एवरेज की बात होती है. अब इतने में अगर इतनी बड़े एरिया में कोई पॉपुलेशन बिखरी हुई है तो आप उसको क्या इवन बोल सकते हो, क्या पर किलोमीटर क्या बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स लोग होंगे? नहीं, वो एक एवरेज होती है. अब कितने रह रहे हैं वो हमें नहीं पता, एंड ये यहाँ पे डेंसिटी कम है, दैट इज वाई पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका वो अनइवन है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम. सो क्वेश्चन नंबर फोर के लिए भी हमें करेक्ट आंसर हमारा समझ आ गया. बस एक रीडिंग का देखो इतना ज्यादा फर्क है. मैंने आपको कहा भी था, आपने आई गेस की ट्राई किया होगा क्लोज टेस्ट का एंड टाइम लिमिट भी सेट की होगी. आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपका फीडबैक जो भी रहता है इसको लेकर. तो फिफ्थ क्वेश्चन, नियरली 80% ऑफ द पीपल - इन अ नैरो बेल्ट. तो नियरली 80% जो लोग हैं वो रहते हैं नैरो बेल्ट में. तो रहते हैं यानी कि लिव करती हैं. अब रिमेन, सर्वाइव और सबसिस्ट इसमें से नहीं यूज होगा, यहाँ पे एक सिंपल वर्ड यूज होगा, दैट इज लिव, कि वो रह रहे हैं. 80% से ज्यादा लोग एक नैरो बेल्ट में रह रहे हैं क्योंकि बाकी का जो एरिया है वहां पे पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है, क्योंकि वो कोल्ड रीजन में आ जाता है, इतनी ज्यादा ठंड में कोई भी नहीं रहेगा. दैट इज वाई रीजन में कोल्डनेस की वजह से वहां पे लोग नहीं रह रहे हैं, दैट इज वाई डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है. सो ये हमें एक फर्स्ट रीडिंग में ही समझ आ गई थी चीजें, दैट इज वाई हमारे लिए इतना ईजी हो गया है. आई श्योर कि आपके लिए भी ये इतना ही ईजी होगा. अगर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए वो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लिव. नाउ क्लोज टेस्ट के हमारे 5 questions फिनिश हो गए हैं. नाउ बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. सो एक्टिव फॉर्म जो है हमें करेक्ट वो चूज करनी है. सो एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बींग थॉरली चेक्ड बाय द गार्ड्स. तो पैसिव फॉर्म हमें दी गई है, हमें एक्टिव फॉर्म में इसको चेंज करना है.
एक्टिव फॉर्म के लिए जो भी हमारा बाय के बाद है वो चीज हमारी फर्स्ट आ जाती है, यानी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंड जो यहाँ पे टेंस यूज हो रहा है इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, जो टेंस यूज हो रहा है आपको टेंस में बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज टेंस यूज होगा। हाँ, फॉर्म थोड़ी चेंज हो सकती है, प्लूरल सिंगुलर वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आप इसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखो कि गार्ड्स की बात हो रही है, यानी कि हमारा जो अभी सब्जेक्ट होगा वो होगा द गार्ड्स। तो द गार्ड्स हैव थॉरली चेक्ड एवरी पासिंग व्हीकल, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से ऑटोमेटिकली ही गलत हो जाता है। देन द गार्ड्स वर थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल, या फिर द गार्ड्स हैव बीन थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं। अब मैंने आपको दूसरा बोला था टेंस, तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हैव यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे वॉज यूज हो रहा है, पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए, दैट इज वाई ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, फटाफट से इसमें देख लेते हैं। द गार्ड्स वर थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल, द गार्ड्स हैव बीन थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। तो देखो इसमें भी हैव बीन यूज हो रहा है, दैट इज वाई ये भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, हमारे पास सीधा सीधा करेक्ट आंसर हमें मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द गार्ड्स वर थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो चीजें मैंने बस आपको बोली वो चीज ध्यान रखना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, टेंस का जरूर ध्यान रखना, वो आपको चेंज नहीं करना है। तो ये इतनी चीजें भी ध्यान रखो कि बाकी रूल्स नहीं भी पता तो भी आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो ऑप्शंस में से, और अगर आपको रूल्स पता है तो वेल एंड गुड है। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग अहेड, सेवेंथ क्वेश्चन, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जरूर ध्यान रखना, सिनोनिम पूछा एंटोनिम पूछा है, क्योंकि ऐसे लगातार दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो सिनोनिम पूछिए एकदम एंटोनिम पूछ देते हैं, और उस टाइम हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि हम ऊपर नहीं चेक करते। सबसे पहली चीज चेक करनी है आपको सिनोनिम है या एंटोनिम है, सिर्फ ये वर्ड ध्यान रखना है। तो वर्ड है हमारा गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो बातें ज्यादा करता है, तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा है यानी कि सेम मीनिंग वाला। सो इसके लिए गटरल, तो टॉकेटिव यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन इसका दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी बोला गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सीधा सीधा मिल गया हमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टॉकेटिव। तो क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए करेक्ट आंसर इज यस ऑप्शन नंबर डी, टॉकेटिव। वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर वोकैब के क्वेश्चन एग्जाम में दो तीन तो आते ही आते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर्स, रीडिंग में जो भी पसंद है आधा घंटा निकाल के रीडिंग जरूर करो, नए वर्ड्स एक दो डेली बेसिस पे जरूर सीखो, वोकैब से क्वेश्चन आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये भी नहीं कर सकते तो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं SSC का तो ये पैटर्न है कि वो ज्यादातर क्वेश्चंस अपने रिपीट करता है, हालांकि फिक्स नहीं है, बट यस यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो प्रीवियस ईयर में जो वक्त आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देख सकते हो सकता है कि कोई क्वेश्चन उसमें से ही रिपीट हो जाए, अदरवाइज नया करोगे तो और ज्यादा बेटर है आपके लिए। सो वकैब भी साथ साथ जरूर आप अपनी स्ट्रांग रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम, अब आपने देखा सिनोनिम के बाद एंटोनिम आ गया है, तो एंटोनिम पूछा गया है यानी कि जो अपोजिट है मीनिंग में। टेंडर, टेंडर का मीन्स होता है जो कि हम जैसे कह सकते हैं सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट होता है, काइंड होता है, उसके लिए हम बेसिकली टेंडर यूज करते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, हार्ड, रफ, ये होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, सॉफ्ट, वार्म, जेंटल एंड रफ। तो यस करेक्ट ऑप्शन हमें दिख गया, दैट इज रफ, बाकी सारे सिनोनिम दिख रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर एट के लिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव चुनना है, फिलर्स का ये क्वेश्चन है, सिंगल ब्लैंक हमें दिया गया है। सो रोहन इज सो मैग्निमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज डैश टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। तो रोहन जो है वो इतना मैग्निनमस है
मीनिंग इसका मैं आपको नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। ये आपका टास्क है, आपको खुद चूज करना है, खुद से जाके ढूंढोगे तो आपको याद रहेगा, मैं बताऊंगी वो स्पून फीडिंग हो जाएगी, आप भूल जाओगे। तो इस वर्ड का वर्ड फटाफट नोट डाउन कर लो एंड इसका मीनिंग ढूंढो। डिक्शनरी अपने फोन में आप डाउनलोड करके रख सकते हो, जैसे ही कोई वर्ड आता है फटाफट से सर्च करके, तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। ये डेली बेसिस पे अगर अपने शेड्यूलिंग में डालोगे तो ही आप जो है अपना वोकैब पे स्ट्रॉन्ग, वोकैब पे अपना जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सो रोहन इतना मैग्नेमिनस है कि एवरीवन जो है वो उसको हमेशा ही हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड होगा दैट इज ईगर, एंथुसियास्टिक, रिलेक्टेंट या फिर इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट तो नहीं होगा फॉर श्योर, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर ए की लोग ईगर रहते हैं कि किसी ना किसी तरह उसकी हेल्प कर सके, रीजन क्योंकि वो मैग्नेमस है। तो ये वर्ड नोट डाउन कर लो, फिर से बोल रही हूँ इसका मीनिंग जरूर ढूंढना, ये आपको क्वेश्चन अपने आप फटाक से समझ में आ जाएगा। एंड अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर ए, ईगर। Now, next question is, in the sentence, identify the segment which domains, which contains the grammatical error. तो grammatical error यानी error detection का question है। Cyclone Idai killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique, although it tore across southern Africa. So, cyclone Idai की बात हो रही है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है तो हमें देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। एसएससी के लिए क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वाइट इजी हो जाता है, ऑप्शंस में जाके देख सकते हो। अब देखो एटलीस्ट 157 पीपल, इसमें कोई भी यहाँ पे हमें एरर नहीं दिख रहा है तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। साइक्लोन एडीआई किल्ड, साइक्लोन एडीआई ने किल किए थे 157 पीपल, कोई यहाँ पे इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है हमें। इट टॉर अक्रॉस, तो टॉर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका के अक्रॉस, तो अक्रॉस यहाँ पे प्रपोजिशन भी करेक्ट लगी है, यहाँ पे भी हमारा एरर नहीं है। एरर के लिए हमारा एक ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए कि साइक्लोन इडियाए किल किया 157 पीपल को इन जिम्बाब्वे एंड मोजम्बिक। ऑल्दो अब आप यहाँ पे देखो कि फिट नहीं बैठ रहा है कि ऑल्दो उसने टॉर अक्रॉस किया साउथर्न अफ्रीका, सो यहाँ पे ऑल्दो जो है वो हमारा करेक्ट पार्ट नहीं है, तो एरर जो है हमारा इट इज इन पार्ट ए। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑल्दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो पैराजंबल्स का ये क्वेश्चन है एंड इसमें क्वाइट ईजी आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें आप ऑप्शन की हेल्प से फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार पहले अगर आपको अपने आप से देखना है तो एक बार थोरली रीड करके आप खुद का सीक्वेंस बना लो। बेटर ऑप्शन है इसकी, जो ऑप्शन दिए हैं फटाफट से, चार ही ऑप्शन है, चूज करके फटाफट से देख लो, लेकिन उसके लिए पहला सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। सो द कैफेज ओनर होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज, तो हम ऑप्शन के थ्रू ही अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। सो ऑप्शन अगर देखो डी वाला, दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन्ड इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। सो यहाँ पे आप देखो या तो ये जो पैरा है हमारा या तो डी से स्टार्ट हो रहा है या तो ए से हो रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पास डी के हैं और दो ऑप्शन हमारे पास ए के हैं। तो अभी हमें डी वाला लग रहा है कि हाँ किसी कैफे के बारे में बात हो रही है, तो मे बी ये हो सकता है। एक बार ए भी चेक करते हैं। द कैफेज ओनर होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज दैट एनिमल्स आर वर्थ सेविंग इवन दो दे ऑफन हैव अ बैड रेपुटेशन। सो अब आप देखो डी और ए में डिफ्रेंशिएट करके कि कौन सा पहला सेंटेंस हो सकता है। अब पहला सेंटेंस देखो कि इस कैफे जो कि अभी जस्ट ओपन हुआ है टोक्यो में, फेंट हार्टेड के लिए नहीं है, क्यों? वो मे भी इसके आगे वाली लाइंस में होगा। डी, अगर ए की हम बात करें, द कैफेज ओनर होप कस्टमर्स विल रियलाइज दैट एनिमल्स आर वर्थ सेविंग, तो उसमें है कि कैफे का ऑनर बोल रहा, होप कर रहा है कि कस्टमर्स रियलाइज करेंगे, तो ये कोई सेंस अभी नहीं बन रही है। दैट इज वाई हमारा जो बी और डी ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो पैरा है वो स्टार्ट हो रहा है डी से। अब हमें देखना है दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो डी के बाद हम फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो सी पार्ट कि हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स, तो ये सी हमारा करेक्ट सेंस बिठा रहा है कि इस कैफे ये फेंट हार्टेड के लिए नहीं है, क्यों? हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन अ कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स, क्योंकि वहां पे अगर आप अपनी कॉफी पी रहे हो या जो भी ड्रिंक है वो 35 स्नेक्स के साथ पी रहे हो, दैट इज वाई वो फेंट हार्टेड के लिए नहीं है।
सो यहाँ पे हमें सीधा सीधा हमारा जो है आंसर मिल चुका है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन डू वन थिंग, आप और दूसरा जो ऑप्शन है वो भी चेक कर सकते हो. डी के बाद अगर हम बी देखें, नन ऑफ देम आर वेनोमस मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स. तो अब आप देखो यहाँ पे डी के बाद बी का सेंस नहीं बैठ रहा है, लेकिन यस सी के बाद अगर आप बी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि स्नेक्स की बात हो रही है कि वो वेनोमस नहीं है, यानी कि जहरीले नहीं है, यानी कि कस्टमर्स उनके पास जा सकते हैं और रेप्टाइल्स के साथ पर्सनल हो सकते हैं. तो डी सी बी ए करेक्ट सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिल गया. तो ये तरीका आप एग्जाम में अपना चूज कर सकते हो. आपके पास कोई इससे बेटर अगर वे है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस. सो देन अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो सेलेक्ट द वर्ड विच मीन सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. तो हमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. तो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इसके लिए हमें एक सिंगल एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है. अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, तो यंग एनिमल्स की फैमिली को क्या बोलते हैं, नेस्ट, ब्रूड, ऑफस्प्रिंग या फिर क्लच. नेस्ट नहीं बोलते हैं, नेस्ट का मतलब सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड फॉर नेस्ट, तो यस वो नहीं होगा. ब्रूड यस, यंग एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, फैमिली होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रूड. ऑफस्प्रिंग तो बच्चों को बोलते हैं, तो ऑफस्प्रिंग भी नहीं होगा एंड क्लच भी यहाँ पे नहीं होगा. तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रूड. अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स इज कॉल्ड ब्रूड. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom. तो idiom है, idiom का हमें मीनिंग बताना है. SSC में idiom and phrases से भी questions दो तीन पूछे जाते हैं, तो ये important है. Banking में हालांकि ऐसे questions आपको देखने को कम ही मिलेंगे या नहीं ही मिलेंगे. So out of the woods, तो इसका हमें मीनिंग बताना है. idiom दिया गया है out of the woods, कि लकड़ी से बाहर. तो नहीं, इसका मीनिंग नहीं है. इसका मतलब क्या होगा, no longer in trouble, no longer famous, no longer in sight या फिर no longer young. तो out of the woods इसका मीनिंग होता है कि अब जो है वो ट्रबल में नहीं है. तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है इट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि no longer in trouble, कि out of the woods अब वो आ चुका है, यानी कि अब वो ट्रबल में नहीं रहा. सो नो लॉन्गर इन ट्रबल. क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नो लॉन्गर इन ट्रबल. तो अभी आप अपने डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो. यस, ये ऐसे idioms होते हैं, इनको याद करने का ये बेटर तरीका होता है कि अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप इनको इंक्लूड करो. अब आपको किसी को बोलना है कि वो अब ट्रबल में नहीं है, इज फाइन, तो आप बोल सकते हो हिज आउट ऑफ द वुड्स. तो ये आपको याद इससे इजीली रहेंगे एंड आपकी वोकैब, आपकी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड इंग्लिश में कन्वर्सेशन जिसके साथ भी कर रहे हो उस पर इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा. सो ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ये मेरा यहाँ पे आपको प्लस टिप था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर. कौन से पार्ट में एरर है. तो स्पॉट द एरर से एक और क्वेश्चन. हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी या फिर नो एरर. अब हमें बताना है कि कौन से पार्ट का यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है. अब सबसे पहला वर्ड अगर आपने नोटिस किया हो, हार्डली, हार्डली के साथ मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया, कंजंक्शन जिसमें मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताए हैं कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं. वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो अभी भी जाके देख सकते हो. उसमें मैंने आपको करेक्ट बताए हैं कि किसके साथ कौन सा यूज होता है, तो करेक्ट पेयरिंग उसमें मैंने आपको बताई है. एंड हार्डली के साथ मैंने आपको बताया था कि हार्डली के साथ एक तो हमें चेक करना है कि हार्ड लगा है या नहीं लगा है, या फिर हमें वर्ब चेक करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये तीनों चीजें ठीक है, उसके बाद हार्डली के साथ यूज होता है जो पेयरिंग होती है, इट इज व्हेन. तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें अपना आंसर जो है वो मिल गया, यानी कि जो हमारा एरर है इट इज इन पार्ट बी, क्योंकि यहाँ पे वेयर नहीं होगा, व्हेन होगा, क्योंकि हार्डली के साथ हमेशा
when use hota hai. So hardly had I reached the exhibition when I learnt about the major robbery. कि मैं hardly पहुंचा ही था exhibition में, कि just पहुंचा ही था exhibition में, तो मुझे पता चला वहां पे जो major robbery हुई थी, चोरी हुई थी उसके बारे में. So hardly के साथ ये चीजें ध्यान रखनी है. And conjunction अगर अभी भी आपने नहीं देखी है वीडियो तो अभी जाके चेक कर सकते हो. आपको उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पेयरिंग बताई है जिससे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिप्लेस वेयर विद वेयर. नाउ आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम वाइंड अप कर रहे हैं. आई नो आपके लिए भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, इट्स ओके. तो चलिए अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. कि ब्रैकेट में जो पार्ट है उसे इम्प्रूव करना है, तो यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है. द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका. Wiser than America. अब इसको आप करेक्ट कर सकते हो या इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है. अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बात हो रही है कि द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका. अमेरिका के लोगों से वाइजर, तो कंपैरिजन दोनों सेम चीजों में होगा. तो जापान के लोगों की बात हो रही है, तो दैट इज वाई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की तो फॉर श्योर जरूरत है. अब तो एक ऑप्शन तो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. तीन ऑप्शन बचते हैं, हमें चूज करना है करेक्ट वन. तो wiser than that of America, wiser than those of America, या फिर wiser to that of America. अब यहाँ पे comparison है तो wiser than ही use होगा, wiser to नहीं use होगा. तो यानी कि हमारा option number C भी यहाँ से eliminate हो जाता है. Then wiser than that of America. अब यहाँ पे आपको देखना है कि बात किसकी हो रही है, people की, लोगों की. लोगों के लिए हम those use करते हैं, तो yes यहाँ पे use होगा the people of Japan are wiser than those of America. कि जो America में रहने वाले हैं उससे ज़्यादा wiser है वो लोग जो कि Japan में रहते हैं. So wiser than that of America यहाँ पे नहीं use होगा wiser than those of America. तो question number 15 के लिए हमारा जो correct answer है it is option number B, that is wiser than that of America. So, यहाँ पे आज के लिए हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप होते हैं. आई गेस कि कम टाइम में हमने सॉल्व कर लिए हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की इस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है. टॉपिक को पढ़ रहे हो वेल एंड गुड है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है. दैट इज वाई आपको हमारे चैनल पे जो चेंज आपको मिलेगा, जो और चैनल्स पे नहीं मिलेगा, कि जिस टॉपिक की हम वीडियो कराते हैं उसके बाद आप देखोगे कि उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम साथ साथ सॉल्व कराते हैं. सो दैट आपको कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर रहे. सो जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए. बिकॉज अब आपको समझ आ ही गया है कितना इंपॉर्टेंट है और आपको क्या बेनिफिट इससे मिल सकता है, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है. तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी यस प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे. बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए भी आप हमारे इस चैनल को विजिट कर सकते हो. बाकी एनी फर्दर हेल्प चाहिए तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ. टिल दैट बाकी के सब्जेक्ट्स भी प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon. Do like, comment and share. See you next time. Subscribe and hit the bell icon.